Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. तो हेलो दोस्तों नमस्ते ये है मेरा आउटडोर एरिया जिसको मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेक ओवर देने वाली हूँ और मैं हूँ वर्षा मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ तो ये मेरा अभी तक मेकओवर नहीं हुआ है दो महीने मुझे हो गए हैं इस घर में रहते हुए तो बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में मुझे इसे डेकोर करना है और बिल्कुल भी मतलब जीरो भी पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आप सोच सकते हैं कैसे होगा तो बहुत सारे डी के साथ तो यहाँ पर सिर्फ मैंने पत्थर लिया है और एक प्लाई का टुकड़ा पड़ा था मेरे पास प्लाई के टुकड़े नहीं है तो यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा उसके बाद जितने भी मेरे पास प्लांट्स थे ऑलरेडी थे कोई भी नया इसमें ऐड नहीं हुआ है जितने भी पुराने थे उन्हीं का मैंने यूज़ किया है तो जल्दी से जल्दी से मैं यहाँ पर अपने प्लांट्स लगा लूँगी इसको दिखाने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं धा घंटों दिखाऊँ तो जल्दी से मैं इसको लगा फिर आपको डी दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैंने लिए ये कुल्हड़ और चाय पी चुके हैं इसमें ऐसे ही पड़े हैं काफ़ी दिनों से इनका डी मुझे करना था ताकि मैं मेक ओवर दे सकूं अपनी बालकनी को अगर बालकनी है तो भी आप ऐसे ही आप अपनी चीज़ों को मैक मेक ओवर देकर और डी बनाकर अपनी बालकनी को भी डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है सुंदर सी बहुत ही अच्छा लगता है तो इनमें सिंपल पहले वाइट एक्रैलिक पेंट किया है और उसके ऊपर एक कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेंट किए हैं फुल वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ तो वो पहले देख लीजिए आप सारे डी का क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी फ़ास्ट फास्ट करके आपको डी दिखाने वाली हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैंने सारे डी एक एक करके आपके साथ शेयर किए डिटेल में तो, तो डिटेल के लिए आप मेरे आ, पहले वीडियो को देख लीजिए प्ले में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी तो जरूर से उसको देखिएगा बहुत ही सुंदर से है तो कुल्हड़ तो मैंने जल्दी जल्दी से पेंट कर लिए थोड़ी थोड़ी सी इसमें पेंटिंग करी है और एंड में वार्निश किया है इसके बाद मैं इसका क्या करने वाली हूँ इसको आपको आप वही वीडियो देख के पता लगेगा सेकेंड डी में मैंने लिए हैं ये कंटेनर जो दही के हैं इसके साथ भी मैं बहुत ही सुंदर सा डी बनाने वाली हूँ तो जल्दी से एक्रेलिक पेंट कर दिया है एक्रे, एक्रेलिक पेंट करने के बाद इसमें क्यूट क्यूट से फेस ड्रॉ करे हैं और बहुत ही सुंदर सी एक दो एक नहीं एक पहले से बना हुआ है एक मैं बना कर दिखा रही हूँ तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसमें पेंट कर दिए हैं और इसकी डॉल्स में बनाने वाली हूँ जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि ये क्यूट क्यूट फेस बनाने मुझे कितने पसंद हैं मेरे बहुत सारे डिवाइस में ये क्यूट से फेस बनी हुए हैं। अगेन लिए हैं वेस्ट प्लास्टिक की बोतल सारे ही वेस्ट आइटम हैं और इनको मैंने पेंट किया है उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कलर से एक्रेलिक पेंट किया है कई लोग कहते हैं इस पर निकल जाता है तो जी हाँ निकल जाता है बट अगर आप इसमें एड में पूरी पेंटिंग करने के बाद वार्निश कर देते हैं ना वार्निश अप्लाई कर देते हैं तो बिल्कुल भी ये पेंट नहीं निकलने वाला है काफ़ी दिनों तक चलता है मेरे दो दो साल के पुराने डी भी रखे हुए हैं जिन जो अभी तक भी खराब नहीं हुए सिर्फ प्लास्टिक की बोटल से एंड थर्ड डी में फोर्थ है तीन बन चुके हैं फोर्थ टी में मैंने ये कार्डबोर्ड के टुकड़े काटे हुए हैं अगेन इस पर पे मैं पेंट नहीं लगा रही हूँ बट बॉल पुट्टी का पेस्ट बना के बता रही हूँ बता नहीं रही हूँ लगा रही हूँ कैसे बीच बीच में बातें एकदम से गड़बड़ा जाती हैं तो इसका फुल डिटेल वीडियो आप जरूर से देखिएगा पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ बिकॉज़ uh, ये बहुत सुंदर है बहुत ज़्यादा सुंदर है मतलब लगेंगे नहीं कि आपने बनाए हुए हैं और इतने इजी हैं कि आपको दस पंद्रह मिनट लगेंगे और ये पेंटिंग बन जाएगी बहुत ज़्यादा सुंदर है तो इनको भी मैं जल्दी जल्दी से पेंट करती हूँ और फुल वीडियो आप जरूर से देखना बिल्कुल भी मिस मत करना अगर कर भी रहे हैं तो भी मिस मत करना देख लेना तो फोर्थ भी बन गया है फिफ्थ डी पे आते हैं तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अपने घर के लिए नेम प्लेट तो अगेन कार्डबोर्ड लिए है और टेप लिया है जिससे अच्छे से सिक्योर कर दिया है इस पर अगेन वाइट एक्रेलिक पेंट किया है जल्दी जल्दी से कर रही हूँ और उसके बाद मैंने महरून कलर कर दिया था ब्लैक एंड रेड मिलाकर और इस पर मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिख रही हूँ वो भी इस तरह की वो आती है ना क्ले ये एयर ड्राई क्ले नहीं है फेविक्विक की मेरे पास थी नहीं बट ये बच्चों वाली है और ये काफ़ी कुछ दिन तक छोड़ दो ना तो अपने आप ड्राई हो जाती है तो मैंने इसको ही यूज़ कर लिया है काफ़ी दिनों से पड़ी थी और यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से यूज़ कर लिया फेविकॉल से इसको चिपका चिपका कर और पूरी नेम प्लेट बना है हैंग करने के लिए आप रोप ले लीजिए और इसको ये जो मास्किंग टेप है ना पेपर टेप इससे सिक्योर कर दीजिए अच्छे से सिक्योर हो जाती हैं आप इसे कहीं पर भी हैंग करेंगे ये टूटने फूटने गिरने वाला नहीं है और ये मैंने आउल बनाए थे जो पेंटिंग बनाई थी उसमें बीड्स मैं ऐड रही हूँ अगेन ये बॉल पुट्टी से ही मैंने बना लिए थे मेरे पास बीड्स नहीं थे तो मुझे तो कुछ करना था ना तो बॉल पुट्टी से अच्छे से बन जाते हैं एंड नेक्स्ट डी आई में कितना सिक्स होगा पता नहीं भूल गई तो नेक्स्ट डी आई में मैंने ये प्लांटर्स थे कुछ उनको डी आई किया है पहले मैं कर चुकी हूँ फिलहाल एक दो पड़े थे ये पॉट और ये प्लांट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो मुझे ये नर्सरी पॉट में ही लगा था तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इस पर पे पेंट कर दिया है वाइट किया है ब्लैक किया है और इसमें बॉल पुट्टी से मैंने आइज़ और माउथ ड्रॉ कर दिए थे यानी चिपका दिए थे बनाकर इसी के साथ और इसमें मैं उसकी आँखें नाक वगैरह बना दूँगी और बहुत तो सारे डी कंप्लीट हो गए हैं और ये जो अभी नर्सरी पॉट मैंने डेकोर किया है देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मतलब आई कैचिंग लगता है दूर से देखोगे ना कोई भी अंदर आएगा सबसे पहले यही अट्रैक्ट करेगा आपको ये जो डॉल्स बनाई थी ये वही डॉल्स है और इनको यहाँ पर पे मैं स्टूल रख दिया था ये क्योंकि हाइट के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं है और स्टूल फालतू था तो मैंने इसके अंदर इसके ऊपर ही सारे कुछ रख दिए हैं जो छोटे छोटे डेकोरेटिव वाले होते हैं ना पॉट्स वो और इसके ऊपर मैंने अंदर प्लास्टिक की बोतल के अंदर प्लांट्स लगाए हैं वो रख दिए हैं और ये कॉर्नर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है सारे डी ही हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अगेन ये आउल बनाए हुए थे तो मैं यहाँ पर इनको हैंग कर दूंगी एंड बिफोर एंड आफ्टर लुक आपको एंड में मिलेगा तो आप ना देख के देखना जरूर हैरान हो जाएंगे कितना अच्छा लग रहा है और एक ये बोतल के साथ मैंने प्लांट बनाया था उसको हैंग कर दिया है एंड साइड में दो विंडो और गेट के बीच की जगह है तो वहाँ पर मैंने प्लांट सैट किए हैं और जो गेट और विंडो है ना उनको ओपन करने के लिए मुझे स्पेस रखना था तो बहुत ज़्यादा इनके साथ तो मैं छेड़खानी नहीं कर सकती थी बट जितना भी स्पेस खाली पड़ा है दीवाल वाला उनको मैंने पूरा ही यूज़ किया है तो ये जो पुल्ल थे इनको मैंने एक लकड़ी के साथ हैंग कर दिया है और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक ही डेकोरेटिव पीस से पूरी दीवार भर गई है ये कुछ आर्टिफिशियल है दो साल पहले लिए थे तो अगर ये गंदे हो जाना तो इनमें रीपेंट कर लीजिए बहुत अच्छे लगने लगते हैं तो इनको दोनों साइड गेटों पे मैं लगा रही हूँ और इससे भी काफ़ी अच्छा लुक हो जाता है बस यही है जो मैंने डी नहीं किए हैं और बहुत पुराने हैं उसके बाद ये बोटल्स पेंट की थी उनको मैं इस पिलर पर लगा रही हूँ बीच में एक पिलर है जो खाली लगता था तो दोनों साइड ही मैंने डी आई बोटल के पॉट्स बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं <laughs> तो लो जी हो गई है मेरी आउटडोर एरिया बिल्कुल से डेकोरेट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मेरे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए और देखने में लग रही है इतनी सुंदर जैसे कि पता नहीं क्या क्या खरीद के मैंने इसमें रख दिया हो शो वन बाय वन करके मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक आपके साथ दिखा दे रही हूँ एंड ये जो गेट है और विंडो है इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ भाई उसको ओपन करना पड़ता है तो उसके साथ तो कुछ छेड़ा खाने कर नहीं सकती हूँ तो जो भी खाली स्पेस था ना सिर्फ उसी को मैंने यूज़ किया है उसी के साथ मैंने डेकोरेटिव पीस लगाए हुए हैं और कुछ पॉट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं बाकी का सारा गेट वगैरह दो दो हैं विंडो बड़ी सी है तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकते बट जितना मुझसे हो पाया मैंने इसको बहुत सुंदर बनाया सामने बहुत सुंदर लग रहा है गेट खोलते ही मेरा ये एरिया दिखता है जो कि देखने में अब बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है और बिल्कुल आई कैचिंग बहुत सुंदर लग रहा है अगर आप भी बिना पैसे खर्च किए अपनी बालकनी को या घर को सजाना चाहते हैं ना तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो आप देखते रहिएगा बहुत सारे आइडियाज आप को मिलते रहे। We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality. तो पहले और अब मैं अब आपको डिफरेंस समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम छो, बिल्कुल ही खाली एरिया को सजा सकते हैं और सुंदर दिखा सकते हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो और डी जरूर बताइएगा और पूरे डी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा आपको हेल्प मिलेगी और वो चैनल आप चैनल नहीं सॉरी वीडियो आपको मिल जाएगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय टाटा एंड टेक केयर